सर्किट का कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैंने ये तीन सर्किट बना के रखा है। तो पहला है ऐसे बिटवीन ए एंड बी थ्री रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सिंगल पाथ, तो दे आर इन सीरीज़, है ना। तो यू कैन गिव नेम्स आर वन आर टू आर थ्री। सो यहाँ पर लिखना आर वन आर टू एंड आर थ्री आर इन सीरीज, देयर फोर आर एस इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री इज इक्वल टू वन प्लस वन 3 ओम। तो ये हो गया, तो तीन के बदले में हमको एक मिला, दैट इज द इक्विवेलेंट। चलिए अभी दूसरे सर्किट में जाते हैं। दूसरे सर्किट में यदि हम जाएंगे तो अभी कैसे पता करेंगे कौन सा किस में है? तो ये दोनों क्या सीरीज़ में है? ये दोनों क्या सीरीज़ में नहीं है? ये सीरीज़ में नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहाँ से क्रॉस पाथ चला गया। तो देर शुड बी ओनली वन पाथ फॉर द रजिस्टर्स टू बी इन सीरीज़, तो नहीं ले सकते। लेकिन ये दो चीज़, ये दो रजिस्टर्स देखिए, तो इसका अपोजिट एंड्स एकदम कनेक्टेड टुगेदर। तो आपने जो पैरेलल कम्बिनेशन का वीडियो देखा होगा तो उसमें अब मैंने ट्रिक बताया कैसे आइडिया करते हैं। तो ये अपोजिट एंड्स तो साथ में होना चाहिए, ये देखिए एक साथ है, तो ये सीरीज पैरेलल में है। तो आर टू एंड आर थ्री, ये नाम दे दीजिए आर वन आर टू आर थ्री, सो आर इन पैरेलल। तो पैरेलल कैसे है समझ में आ गया? ये अपोजिट एंड्स आर वेरी अपोजिट एंड्स, अदर एंड्स आर कनेक्टेड टुगेदर। तो वन बाई आर पी इक्वल्स टू वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री। तो ये हो जाएगा वन बाई वन प्लस वन बाई वन, ये वन वन प्लस वन, ये टू आ गया। तो अभी इसमें ये आर पी है, वन बाई आर पी है, तो इधर आर पी को रेसिप्रोकल लेना नहीं भूलना है। तो ये वन बाई टू हो जाएगा, वन बाई टू दैट इज 0.5 ओम। तो अभी हम ये जो 0.5 ओम आया ये क्या है? ये इसके बीच में, यानी कि दो के बदले में हम एक रेजिस्टर ले सकते हैं, ये है 0.5। तो हम फिर यहाँ से एक और सर्किट बना सकते हैं। देखिए इसको हमने कुछ भी नहीं किया, ये ऐसे ही है, 1 ओम ही है आर वन। अभी इसके बीच में, ये पॉइंट के बीच में हमारा 0.5 ओम रेजिस्टर आया, तो ये आर बी है, तो ये बी है। तो अभी दो रेजिस्टर देखिए, जो सॉल्व किया वो और जो पहले से है जो कुछ नहीं किया उसके बीच में क्या रिलेशन है? अभी ये दोनों सीरीज में है क्योंकि सिंगल पाथ है, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसलिए आर वन एंड आर पी आर इन सीरीज, देयरफॉर आर एस इक्वल्स टू 1 प्लस 0.5, ये प्लस ये करना है, ये फार्मूला है, सो 1.5 ओम। तो ये दोनों लेके 0.5 और इसको मिला के 1.5, तो टोटल हमारा सिंगल रजिस्टर आ गया, दैट इज़ द आंसर। तो चलिए अभी तीसरे सर्किट में जाते हैं हम लोग। अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ गया, लेकिन कैसे आइडेंटिफाई करना है वो आपको मैंने बताया था सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन के वीडियो में, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर भी आप नाम लिख सकते हैं आर वन आर टू आर थ्री आर फोर आर फाइव आर सिक्स आर सेवन आर एट आर नाइन, तो नाइन रजिस्टर्स है, ठीक है। तो अभी इसमें कैसे हम पता करेंगे, तो कॉम्प्लिकेटेड हो गया है ना। तो देखिए क्या ये तीन जो है ये स्ट्रेट लाइन में है, क्या सीरीज में ले सकते हैं? आपके दिमाग में क्या चल रहा है? हाँ बिल्कुल नहीं ले सकते इसमें, क्योंकि यहाँ से देखिए, यहाँ से ये कनेक्शन इधर चला गया, इधर चला गया, यहाँ से फिर जुड़ गया है। तो जब तक एक ही पाथ नहीं होगा तो सीरीज़ में नहीं ले सकते, ये फिर से याद कर लीजिए। तो इसलिए ये हम सीरीज़ में नहीं ले सकते। तो स्ट्रेट लाइन है, यहाँ भी स्ट्रेट लाइन था, तो यहाँ भी ऐसे ही है, तो क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि यहाँ से कनेक्शन चला गया, सिंगल पाथ होना चाहिए। तो अभी आप देखिए यहाँ से जब करंट जाएगा तो ये तीनों से एक ही करंट फ्लो करेगा। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही पाथ है, तो हम आर टू आर थ्री आर फोर को सीरीज में ले सकते हैं, आर टू आर थ्री आर फोर आर इन सीरीज। तो
आर एस इक्वल्स टू वन प्लस वन 3 ओम आ गया। फॉर्मूला है आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो अभी जो आर वन आर टू आर थ्री आपकी हमको ये मिल गया। अभी यहाँ पर देखिए नीचे के पार्ट में भी यहाँ से जो करंट फ्लो होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, पूरा नहीं यहाँ तक एक ही करंट फ्लो करेगा, सिंगल पाथ है। तो आर सिक्स आर सेवन आर एट ये थे, ये आर एन सीरीज अगेन। तो फार्मूला क्या, आर एस डैश लिखिए अगेन वन प्लस वन 3 ओम। तो अभी हमारा कैसा सर्किट आया, दो हमने सॉल्व कर लिया। तो आप फिर से यदि आप चाहे तो सर्किट बना सकते हैं, ये ऑप्शनल है, बनाने से भी होगा नहीं बनाने से होगा। ये आ गया। तो ये हमने कुछ भी नहीं किया 1 ओम यहाँ पर आर वन, ठीक है। ये तीन के बदले में हमने 3 ओम लिख के आया। तो ये 3 ओम, ये पहले से है 3 ओम, ये भी 3 ओम है। सो ये है हो गया आर एस आर फाइव और आर एस डैश, और ये भी हमने कुछ नहीं किया है आर नाइन वन ओम। तो अभी क्या देख रहे हैं, तो क्या अभी ये सीरीज में ले सकते हैं, फिर से नहीं ले सकते। लेकिन ये तीन जो रेजिस्टर्स हैं आप देखिए इसका अपोजिट एंड्स, ये तीनों एंड्स इधर भी यहाँ ज्वाइंट हो रहे हैं और वेरी अपोजिट एंड्स ये भी सब मिल के यहाँ जा रहे हैं। तो आर एस आर फाइव और आर एस डैश तो ये पैरेलल में, तो वन बाई आर पी इक्वल्स टू वन बाई थ्री प्लस वन बाई थ्री प्लस वन बाई थ्री। तो ये हो गया थ्री बाई थ्री दैट इज़ वन। तो आर पी क्या होगा, वन ही होगा, रेसिप्रोकल लेना नहीं बोलना, तो वन का रेसिप्रोकल वन होगा। तो अभी क्या आया हमारे पास, ये अभी हमने क्या सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया। तो ये तीन के बदले में वन ओम लेना है, तो ये दो पॉइंट के बीच में वन ओम आएगा। तो आप नया सर्किट बना लीजिए। सो वन ओम यहाँ, वन ओम और यहाँ वन ओम। अभी देखिए वन ये जो पहले से था, अभी ये सॉल्व करके आया है, ये वन और पहले से जो आर नाइन, ये आर नाइन, ये आर पी और ये आर वन, तो तीनों सीरीज में। तो फाइनल इक्विवेलेंट हो जाएगा ये तीनों का, ये सीरीज, तो वन प्लस वन सो थ्री। तो इस तरह से अलग अलग सर्किट को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आप चिंता मत कीजिए, तो आप सिर्फ देखिए कि ये कौन से पार्ट में सीरीज है और कौन से पार्ट में पैरेलल में है। तो सॉल्व करते जाइए तो अपने आंसर आ जाएगा। थैंक यू।